हेलो, आपका हमारे चैनल डॉक्टर पुनीत धवन में बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आप हमारी हर लेटेस्ट अपडेट पा सकें। स्वागत है आप सभी का कर्म आयुर्वेदा के YouTube चैनल पर। आपके साथ मैं हूँ विशाखा रतन। इस चैनल पर आप किडनी से जुड़ी हर तरह की जानकारी आसानी से ले सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मायलोमा किडनी डिजीज। शुरुआत करने से पहले आपको बताते हैं कि मायलोमा होता क्या है। मायलोमा ब्लड कैंसर का एक टाइप है जो कि प्लाज्मा सेल्स को इम्पैक्ट करता है। इनको इम्यून सेल्स भी कहते हैं, जो डिजीज से लड़ने के लिए एक स्पेशल प्रोटीन बनाता है। सेल्स ब्लड इन्फेक्शन से बचाते हैं, लेकिन जिन पेशेंट्स को मायलोमा किडनी डिजीज की प्रॉब्लम होती है, उनकी बॉडी में प्लाज्मा सेल्स अबनॉर्मल क्वांटिटी में बनती है, जिसकी वजह से बॉडी में प्रोटीन की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है और बोन प्रॉब्लम, अनीमिया, किडनी फेलियर एक बड़ा रीज़न इनका बनता है। ये किडनी के फिल्टर यानी कि ग्लोमेरुलस को इम्पैक्ट करते हैं, जिससे किडनी की वर्किंग कैपेसिटी कम होती है और किडनी ख़राब भी हो सकती है। किडनी में ब्लड ग्लोमेरुलस के फिल्टर के बाद पहुंचता है, जो कि बाद में ट्यूबल्स में जाता है। अब नॉर्मल प्रोटीन्स भी ट्यूबल्स में जाते हैं, लेकिन ये इकट्ठा हो जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते, जिसकी वजह से किडनी फेल हो जाती है और इस बीमारी को मायलोमा किडनी डिजीज कहते हैं। आइए आपको बताते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या हैं। इसके सिम्टम्स हैं जैसे थकान महसूस होना, बोन्स में पेन, इन्फेक्शन होना और साथ ही साथ कभी कभी वॉमिटिंग फील होना भी इसके सिम्टम्स हैं। मायलोमा पेशेंट्स का इलाज कीमोथेरेपी के जरिए होता है। इसके लिए ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट और बायोप्सी करवाना इम्पॉर्टेंट है। पेशेंट्स आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी चूज कर सकते हैं, क्योंकि बिना साइड इफेक्ट पेशेंट ठीक हो जाते हैं। आयुर्वेद न केवल इलाज है, बल्कि ये लाइफस्टाइल का ऐसा तरीका है जिससे आप हेल्दी और हैप्पी लाइफ जी सकते हैं। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट मेडिकल हिस्ट्री में वरदान साबित हुआ है। इसमें नेचुरल हर्ब्स के स्टेबल यूज से किडनी इन्फेक्शन को परमानेंटली खत्म किया जा सकता है, वो भी विदाउट साइड इफेक्ट्स। मायलोमा में एक स्पेशल डाइट फॉलो करनी चाहिए। अब आपको इसकी डाइट के बारे में बताएंगे। पहला है, प्रोटीन की कंजप्शन को कम कर दें। ट्रीटमेंट से पहले कम प्रोटीन वाले फूड आइटम्स हेल्पफुल हो सकते हैं। सफिशिएंट प्रोटीन लें। आप डॉक्टर को कंसल्ट करके भी राइट अमाउंट में प्रोटीन ले सकते हैं। दूसरा है, अपने डाइट में पोटाशियम भी लिमिटेड करें। कई फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में ज़्यादा क्वांटिटी में पोटाशियम होता है, इसलिए इनको लिमिटेड अमाउंट में लेना चाहिए। थर्ड है, सोडियम कम करें। इससे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में हेल्प मिलती है। लास्टली, कैल्शियम और फॉस्फोरस को कम अमाउंट में लें। तो ये थी मायलोमा किडनी डिजीज से जुड़ी जानकारी। अगर आप या आपका कोई अपना इस बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहता हो, तो आप कर्म आयुर्वेदा किडनी केंद्र में संपर्क करें। संपर्क करने के लिए आप हमारे नंबर, ईमेल और केंद्र का पता डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे शेयर जरूर करें और साथ ही साथ हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप भी किडनी डायलिसिस पर हैं और बचना चाहते हैं इस पेनफुल प्रोसीजर से, तो आप भी डॉक्टर पुनीत धवन से संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है G20 NDM 1, प्लॉट नंबर B234, अपोजिट NIMS, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, न्यू दिल्ली 110034। हमारे फोन नंबर्स हैं 09871712050, 011-4264-4274। हमारी ईमेल आईडी है doctor@karmaayurveda.com। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.karmaayurveda.com पर लॉग ऑन भी कर सकते हैं।